अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारी क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस और इसका पार्ट पॉलिटिकल साइंस है। यूनिट फोर्थ हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है ये है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट व्हाइल द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। इसी तरीके से हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट जो हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं तो प्रेसिडेंट जो हैं सबसे पहली बात है ये स्टेट के हेड होते हैं। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ऑनली नॉमिनल पावर्स। The President of India is like the Queen of Britain, whose functions are to a large extent ceremonial. The President supervises the overall functioning of all the political institutions in the country. तो हम ऐसे भी कहते हैं कि President जो हैं वो President ऐसे हैं जैसे कि Queen of Britain, हम उनको इस तरह से मिसाल देते हैं। और प्रेसिडेंट जो हैं ये एक नॉमिनल हेड होते हैं और इनके जो पावर्स होते हैं ये पावर्स इनके पास जो हैं ये पावर्स लिमिटेड होते हैं। प्रेसिडेंट जो है इसके पास ये पावर हैं कि जो भी बिल पार्लियामेंट में पास की जाती है उस बिल को प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पेश करते हैं प्रेसिडेंट के सामने। जब तक प्रेसिडेंट उस बिल को साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल ऑथेंटिकेट नहीं होती। लेकिन अगर बिल जो है वो बार बार वैसी ही बिल पेश होती रहे उसमें कोई चेंजेस नहीं आए तो लास्ट में प्रेसिडेंट जो हैं उनको बिल साइन करनी होती है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो हैं इनके पावर्स जो हैं ये जितनी भी चीफ जस्टिस ऑफ हमारा इंडिया जो है उसको अपॉइंट करने के पावर्स प्रेसिडेंट के हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट जो हैं ये डायरेक्टली अपॉइंट नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है हमने ये देखना है। प्रेसिडेंट जो हैं इनकी अपॉइंटमेंट होती है जिस वक्त पार्लियामेंट बन जाती है उस वक्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ये स्टेट के मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री जो मिनिस्टर्स हैं ये मिलकर प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है इनके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। जितने भी एमपीज होते हैं एमएलएज होते हैं इनकी मुश्तरका चॉइस से प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जाता है। एक कैंडिडेट Standing for president's post has to get a majority of votes to win the election. This ensures that the president can be seen to represent the entire nation. President जो हैं वो पूरी nation को supervise करते हैं। President जो हैं वो पूरे defense के एक chief commander होते हैं। ये जितने भी powers हैं ये हमारे president के पास होते हैं। द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू ऑल गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑल लॉस एंड मेजर पॉलिसीज डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इश्योर्ड इन हर नेम। जितने भी गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो टेंडर्स निकाले जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो अपॉइंटमेंट आर्डर्स निकाले जाते हैं ये ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट निकाले जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि दीज इंक्लूड्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज एक्स्ट्रा। यानी हम इन एडिशन
इनके पावर्स इन एडिशन ये हैं कि ये गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं, कमिश्नर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, एम्बेसडर्स जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ऑनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ बच्चों एक बात खास है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो जो भी अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं उनके पावर जो एक्सरसाइज होते हैं वो ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। पार्लियामेंट जिस वक्त जो डिसीजन पास करती है, जो पॉलिसी वाजा करती है, तो उसी को मद्देनजर रखकर प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं और लॉ को ऑथेंटिकेट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बिल पासड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स ए लॉ ऑनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट। यानी मिसाल के तौर अगर हमारा पार्लियामेंट जो है जी, अगर पार्लियामेंट एक बिल पास करता है तो वो बिल जो होती है वो एक लॉ बन जाती है, एक कानून बन जाता है। तो उस कानून को ऑथेंटिकेट करने के लिए वी नीड द साइन ऑफ प्रेसिडेंट। तो उस वक्त उस बिल पर जो साइन होना होता है वो प्रेसिडेंट की तरफ से होता है, तब जाकर वो लॉ ऑथेंटिकेट बन जाता है। मगर इट प्रेसिडेंट वांट्स शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। अगर बिल में, उस बिल में जो लॉ की बिल पास की गई है, जो लॉ बन जाता है उसमें अगर प्रेसिडेंट को लगता है कहीं, तो फिर वो बिल वो रिटर्न बैक टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास वापस भेज देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। ये भी इनके पास पावर्स होते हैं अगर वो चाहें, ऑन द विश ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन बट इफ पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन शी हैज टू साइन इट। अगर फिर से वैसी ही बिल जो है पार्लियामेंट उनको पास करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट जो है उनको उस बिल पे साइन करना होता है। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू, कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल। देयर इज वन एवरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन। अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर विन ए पार्टी आर कोलेशन ऑफ पार्टीज सिक्योर्स ए क्लियर मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस। The president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha. When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her directions. The president appoints a leader who, in her opinion, can muster majority support in the Lok Sabha. In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specified time. तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक जो था ये था पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट। हमने ये पढ़ा पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट के बारे में कि प्रेजिडेंट जो हैं इनको MPs, MLAs नॉमिनेट करते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो हैं उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स जो हैं, एम्बेसडर्स जो हैं और बाकी जी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इनके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास बिल को ऑथेंटिकेट करने की पावर्स भी होते हैं, वो साइन करते हैं बिल पर, और जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट आर्डर्स टंडर्स जो भी ऐसी पॉलिसीज आती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर आती हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं ये डिफेंस के, कंट्री का जो डिफेंस होता है उसके एक चीफ कमांडर भी होते हैं और ये है हमारे प्रेसिडेंट के प
पावर्स जो आज हमने स्टडी की। थैंक यू वेरी मच।